ये वीडियो जो कि मैरिड हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर जिनका सेकंड बेबी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो अनमैरिड हैं बट सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो हमें यहाँ पे किसी को जज नहीं करना है, ये एक अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो है और बहुत ज़रूरी है ये जानना। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी को बट फिर भी कंसीव हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाती है और कुछ लोग उसको अबोर्ट करवा देते हैं। तो चाहे कंप्लीट प्रेगनेंसी हो या फिर बीच में अबॉर्शन हो गया हो, तो एक बार अगर ऐसा हो चुका है तो उसकी लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हो सकती हैं अगर उसने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात नहीं की है कि उसका ब्लड ग्रुप ये है, तो आगे उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब प्रॉब्लम्स भी क्या क्या होती हैं मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, कभी बार ऐसा होता है कि पहला बच्चा आराम से बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है, और जो दूसरा जब प्लान करते हैं तो क्या होता है कि वो खुद ही अबॉर्ट हो जाता है, या फिर अगर वो अबॉर्ट नहीं होता है तो क्या होगा, काफ़ी बार जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके पेट में पानी भर जाता है, उसमें खून की कमी बताई जाती है, या फिर उसके हार्ट के आसपास पानी भर जाता है, या फिर उसके सर के अंदर पानी भर जाता है, और कभी कभार तो उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये खेल है, ये बहुत ही बड़ा खेल होता है ब्लड ग्रुप्स का, ठीक है, कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो ये सब कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी ब्लड ग्रुप की जानकारी ले लेते हैं जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन मदर एंड फादर के ब्लड ग्रुप का अगर होता है तो आगे चल के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारे मेनली हम चार ही पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हम यही पढ़ते हैं, AB AB एंड O, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, जिनमें आरएच फैक्टर होता है, जिन आरबीसीज में आरएच फैक्टर होता है तो वो होते हैं पॉजिटिव, जिनमें नहीं होती ये जो आरएच है, जो फैक्टर है, तो वो नहीं होता है किसी किसी में, तो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव, ठीक है। मतलब कुछ होते हैं जो कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से होते हैं ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कौन से वो ब्लड ग्रुप हैं जिनके कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम होती है और कौन से वो हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट जो कंसीव करते हैं उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ये है पहला मैंने लिखा है कि अगर जो फीमेल है, जो वाइफ है, तो अगर उसके पास ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव किसी भी तरीके का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और जो हस्बैंड है उसके पास अगर ओ पॉजिटिव है तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। इस तरीके के पेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकंड में हम देखते हैं कि देखिए अगर जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप किसी भी तरीके का पॉजिटिव है, ठीक है, एंड हस्बैंड का बिल्कुल सेम ब्लड ग्रुप यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए अगर इन दोनों का ही सेम टू सेम है, जैसे इसका भी ए पॉजिटिव तो उसका भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरीके से बिल्कुल सेम पेयर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव में भी बिल्कुल सेम ब्लड ग्रुप है दोनों हस्बैंड वाइफ का तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है। चाहे वो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कुछ भी हो, लेकिन अगर सेम है तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, इसमें देखिए अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, ठीक है, एंड हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव, ठीक है, या फिर ए बी पॉजिटिव है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो इसमें मतलब 0.5% या फिर 1% चांसेस हैं कि ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी हो। अब इसका हम मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो मदर है अगर उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अगर जो फीटस है, जो बेबी है, उसका ब्लड ग्रुप अगर उसके फादर से मैच करता है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जो फीमेल की जो बॉडी है
वो क्या करेगी, ये जो फीटस है उसके ब्लड के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि हर एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपनी जान से भी ज़्यादा उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, बट उसकी बॉडी खुद ही क्या करती है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है जो फीटस है, जो बेबी है, उसके ब्लड के खिलाफ। तो उसमें क्या होगा कि जो बेबी का जो ब्लड होगा उसमें जो आरबीसीज होती हैं, ठीक है, तो उनको मारना शुरू कर देगी। तो उसके अंदर क्या होगा, ब्लड की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत ही कम मिलता है, इस तरीके की प्रॉब्लम जनरली नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट वाला जो है पेयर, उसमें क्या है कि अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है एंड जो हस्बैंड है उसका ओ नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वाइफ का किसी भी तरीके का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और जो हस्बैंड है उसका किसी भी तरीके का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर हस्बैंड का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो जो फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जो दिक्कत आती है वो इस तरीके के ब्लड ग्रुप में आती है, इसमें जो दिक्कत आएगी वो क्या होगा, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। क्योंकि जो आरएच जो एंटीजन होता है, ठीक है, आरएच जो फैक्टर है, अगर वो फीमेल की जो ब्लड है उसमें नहीं है इसलिए वो नेगेटिव है। तो ओ नेगेटिव अगर फीमेल है तो भी दिक्कत आएगी, अगर हस्बैंड क्या है पॉजिटिव है, किसी भी तरीके का वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रखता है एंड जो फिटस है, जो जो बेबी होगा उसके प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका अगर ब्लड ग्रुप फादर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, अगर वो पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अगर जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है उसकी जो माँ है उसकी तरह, तो दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनती है। तो इसको हम बोलते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है उसका ब्लड एंड जो बेबी होता है, जो फीटस होता है गर्भाशय के अंदर, तो उन दोनों के ब्लड में थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब मिक्सिंग होगी तो जो मदर का जो ब्लड है वो जो दूसरा जो ब्लड है बेबी का ब्लड है उसको वो क्या समझेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है और वो उसके जो आरबीसीज हैं उनको मारना शुरू कर देगा। क्योंकि जो मदर की जो बॉडी है उसके अंदर एक ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि वो क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि वो जो ब्लड है वो किसका है, उसके फादर के ब्लड ग्रुप से अगर मैच हो रहा है तो ऐसा होता है, समझ गए। तो इसी को हम बोलते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, कि मदर की बॉडी ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी और धीरे धीरे जो आरबीसीज हैं, जो फीटस है उसकी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है ब्लड की, मतलब सीवियर एनीमिया हो जाता है उस जो फीटस है उसमें। तो क्या करते हैं, अगर टाइम से पता होता है डॉक्टर्स को तो उसका एक स्पेशल केस बनता है कि जो मदर है वो आरएच, उसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है, मतलब वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखती है। तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और डॉक्टर के निगरानी में उसको रखा जाता है, स्पेशल केस बना के उसको रखा जाता है। क्योंकि उसमें बार बार चेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है, बार बार अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक टेस्ट होता है स्पेशल फीमेल का, अगर जिसका आरएच जो फैक्टर है वो नहीं है, जिनके ब्लड में, मतलब जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखती है, तो उसका है ICT, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो मदर की बॉडी में ये देखा जाता है ब्लड में कि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई हैं फीटस के खिलाफ या नहीं, और कितना हो चुकी हैं। अगर नहीं हुई होती हैं तो क्या करते हैं कि पहले ही, अगर पहली प्रेगनेंसी है उस टाइम में ही क्या करते हैं, जो 28वां वीक होता है उस टाइम में क्या करते हैं, इंजेक्शन दे दिया जाता है। किसका इंजेक्शन दे देते हैं, एंटी डी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि मदर की बॉडी अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। तो ये 28 वीक पे दिया जाता है और जब डिलीवरी होती है उस टाइम भी दिया जाता है। अब हम एक और बात करते हैं कि अगर किसी का अबॉर्शन हो गया है, जो मैंने आपको पहले बताया कि किसी का अगर वो बेबी नहीं चाहिए, पहला बेबी, और उसको अबॉर्ट कराना है, किसी भी तरीके की कंडीशन है, अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है, सॉरी नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है, ओ ए बी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है, अबॉर्शन भी अगर हो गया है, तो किसी भी तरीके की अगर मदर एंड जो बेबी है उनके ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, तो मदर की बॉडी तुरंत ही क्या कर देती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और टाइम के साथ वो एंटीबॉडीज बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है।
तो 72 आवर्स के अंदर, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर उनको एक इंजेक्शन देना पड़ता है एंटीडी का, जिससे कि उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज ना बने। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, अगर कोई बेबी प्लान नहीं कर रहा है फिर भी गलती से हो गया है तो ये इंजेक्शन ले लेना चाहिए। डॉक्टर को अपना केस बताना चाहिए कि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो एक स्पेशल केस है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर किसी का नेगेटिव है तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना अबॉर्शन आप खुद से ना करें, एंड डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि अब नहीं तो कभी तो आपको जो बेबी है वो पैदा करने हैं। ठीक है, कभी ना कभी तो ऐसा होना है, तो इस वजह से पहले से ही सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में दिक्कतें बढ़ती हैं, क्योंकि किसी किसी में बहुत ज़्यादा अगर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बार बार ब्लड टेस्ट, ये स्पेशल टाइप का टेस्ट किया जाता है, एंड इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और कभी कभी जब मदर की वूम में जब बच्चा होता है, गर्भाशय में होता है, तो उसी टाइम बेबी को भी ब्लड दिया जा सकता है। तो अगर सही टाइम पे पहचान सकते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम में बेबी को बचाया जा सकता है और मदर को भी बहुत सारे अबॉर्शन से एंड ट्रोमा से बचाया जा सकता है। तो जो ओ नेगेटिव की जो फीमेल हैं, कोई प्रेग्नेंट हैं, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही रहना है उनको, थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस लेना है। अगर कोई ब्लीडिंग किसी भी तरीके से होती है, कोई ट्रोमा लगता है, कोई चोट लगती है किसी भी तरीके की, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि 72 घंटे के अंदर उस टाइम में भी मिक्सिंग हो सकती है ब्लड की, तो इसलिए डॉक्टर से मिलना चाहिए और इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर लेना चाहिए। अगर कभी कभार ऐसा हो जाए कि 72 घंटे में नहीं भी ले सके, तो 1 महीने तक भी ये आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन आपको मिल जाए। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर करना है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो हम सब, जानकारी इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसे फीमेल हैं जो कि रूरल एरियाज़ में रह रही हैं, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं प्रेगनेंसी टाइम में, उनको कभी कभी अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता होता है, तो इसलिए उनको सबसे पहले अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना चाहिए कि क्या है, जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, एंड प्रॉपर तरीके से अगर किसी का नेगेटिव है तो डॉक्टर को पूरी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि और सबसे पहले उनके घर वालों को ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आगे चल के क्या हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, कि डॉक्टर तो ऐसे ही कुछ भी टेस्ट लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी होती हैं, अगर नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, एंड स्टडी विद मी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का कोई सजेशन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।